subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. ये थोड़ी लंबी स्टोरी है बट मैं आपको थोड़ा सा कट कट करके बताता हूँ. 3-4 साल पहले आई यूज टू वर्क लाइक ऐसे ही मैं शोज करता था छोटे मोटे. देन एक फ्रेंड के थ्रू मुझे पूर्णिमा नाम है उसका, पूर्णिमा तुझे भी थैंक यू सो मच जो तू मुझे यहाँ ले आई. और वो मुझे मीत ब्रदर्स से उसने मुझे मिलाया. मेरा ये हुआ, ऑडिशंस हुआ मीत ब्रदर्स के साथ. देन उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने मुझे शोज़ पे बुलाया. शोज़ के साथ साथ फिर कुछ एक साल बाद मैंने उनको पूछा कि मुझे प्रोडक्शन में भी करना है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि तू ये डेट से ज्वाइन कर ले. तो मैं फिर फटाफट मैंने स्टूडियो ज्वाइन कर लिया. देन काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली क्योंकि स्टूडियो सिंगिंग और लाइव सिंगिंग इट्स टोटली डिफरेंट, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. तो वो कैसे माइक पे शब्दों को रखना, कैसे गाना, कितने थ्रो से गाना, जब हम दूर हो जाते हैं तो माइक के कैसे क्रॉस जाना है, वो सब चीज़ें मुझे सीखने मिली स्टूडियो में. तो हाँ, ये था तरीका, ये थी चीज़ जिससे मैं मीत ब्रदर्स के साथ में मिला. ओके, तो ये गाने के लिए कितना टाइम लगा आपको? आवारा शाम है जो है गाना, ये बना था कुछ 1.5-2 साल पहले. तो इट वाज जस्ट स्क्रैच और वो रखा हुआ था. तो मुझे बड़े भैया ने बोला, मनमीत भैया ने, कि जा तू उसको गाने को गा के रख दे. तो मैंने उसको प्रॉपर पियानो प्ले किया, उसको प्रोग्राम करके उसके ऊपर एक नॉर्मल सिंगिंग करके मैंने रख दी उसको. देन जो अब आपने वो जो फाइनल सुना है वो स्क्रैच ही है, वो फाइनल मैंने किया ही नहीं क्योंकि उसमें जो फीलिंग आई थी वो दोबारा नहीं आ रही थी, क्योंकि एक बार जो चीज़ हो जाती है वो हो जाती. तो जो स्क्रैच था वही गाना है, वो अभी भी जो आप फाइनल सुन रहे हो. सिर्फ मैंने अंतरा रिकॉर्ड किया वापस, बाकी गाना पूरा वही है. तो हाँ, उसे मुझे गाने में लग गया 1.5 महीना, क्योंकि कभी मैं थोड़ा गा रहा था फिर उसके बाद उसको डिलीट करके फिर वापस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. हम लोगों ने कम से कम 6-7 बार वो रिकॉर्ड किया है, मनमीत भैया ने गवाया मुझसे अलग अलग तरीके से. तो जो उसमें से बेस्ट लग रहा था वो उन्होंने रखा. अच्छा, अगर ये गाना किसी को डेडिकेट करना है तो किसको करना चाहोगे? ये गाना मैं डेडिकेट करूँगा सबसे पहले तो अपनी मम्मी को और इनको, ये जो मेरे सामने बैठे हैं मंजुल और रेड्स, इनको डेडिकेट करूँगा. क्योंकि देखो, गाना जो होता है वो एक ओवरऑल पैकेज होता है, पूरा पैकेज होता है, वीडियो और ऑडियो. तो वीडियो की वजह से ऑडियो चला है, ऑडियो की वजह से वीडियो चला है, मैं ऐसा कहूँगा. क्योंकि वीडियो में इतने अच्छे लग रहे हैं दोनों, रिज इतनी अच्छी लग रही है, उसमें एक शॉट है जो वो डांस करती है, फिर मंजुल एक शॉट में बहुत, मतलब सब में अच्छा लग रहा है मंजुल, लेकिन मुझे स्पेशली जो पसंद है जो वो ऐसे नोट घुमा के देता है उसे, वहाँ पे बहुत अमेजिंग लग रहा है. तो मैं इनको डेडिकेट करूँगा ये गाना. ओके, बॉलीवुड में इतने सारे सिंगर्स हैं, आपका इंस्पिरेशन कौन है? के, क्योंकि मैं के को बहुत सुनता था, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अमेजिंग गाते हैं. उनके बाद है अरिजीत सिंह, क्योंकि पहले मैं सूफ़ी बहुत ज़्यादा गाता था, क्योंकि उसकी सूफ़ी की वजह से मैं फिर सूफ़ी ही गाने लगा, मेरी आवाज़ ही वैसी हो गई थी, कैलाश खेर बन गया था मैं बीच में थोड़ा. फिर मैंने अरिजीत को सुनना स्टार्ट किया, फिर अरिजीत का टेक्स्चर, अपना टेक्स्चर थोड़ा और मिला के फिर मैंने कुछ अलग बना. क्योंकि देखिए, साउंड जो होता है हर साल, हर 6 महीने में चेंज होता है, और जैसे अभी न्यू जनरेशन है उनके हिसाब से उनको अलग साउंड चाहिए होता है. तो हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अगर रिक्रिएट कर रहे हो तो उसको उस लेवल तक करो, अच्छे लेवल से अगर उसको रिक्रिएट करें तो इट्स गुड. बाकी अच्छे गानों की मतलब करने से अच्छा है उसको अच्छे से बनाओ. रहती हूँ मेरी दुआ, चटर पटर कर रही है चिड़िया. धूप सुनहरी फिजा में रहती हूँ मेरी दुआ, तेरा नाम जिस लम्हे मिलो बेहद मिले आरा, तेरी ही गलियों में आवारा शाम, तेरी ही गलियों में
हैं कुछ, मैं फिलहाल अभी बताना नहीं चाहता, मैं आगे बता दूंगा आपको, बट हैं गाने आने वाले हैं बिल्कुल. थैंक यू सो मच.